राजस्थान में जिला झुंझुनू राजस्थान की पावन भूमि है, भक्ति की पावन भूमि है। अरे राजस्थान में जिला झुंझुनू देवगाम सरनाम हुआ किशोर सिंह जी भगत जहां सन्मुख बालाजी धाम हुआ सन्मुख बालाजी धाम हुआ। राजस्थान में जिला झुंझुनू राजस्थान में जिला झुंझुनू देवगाम सरनाम हुआ किशोर सिंह जी भगत जहां सन्मुख बालाजी धाम हुआ धाम हुआ। लहो ताली ताली होनी चाहिए दोनों हाथों की। हाँ गुरु जी की जीवन गाथा से जुड़ा हुआ यह भजन है। हमारे आदमी भाई साहब क्या नाम है, सुनील जी, आदरणीय सुनील जी, वो भी 100 रुपए देकर के इस भजन पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आदरणीय गुरु जी किशोर सिंह महाराज जी जिनकी तरफ से कई 1000 रुपए पहले और 500 रुपए फिर इस भजन की 2 लाइनों पर खुश होकर के ये अपना आशीर्वाद दिया है। जोरदार ताली, दोनों लाइन पसंद आई है तो ताली बजाते हुए भजन को गाएंगे। चलिए भाई कैसे हाँ। जिसने जन्म यहाँ पे पाया हाँ ऊकम सिंह पिताजी ने तुम्हें अपनी गोद खिलाया अपनी गोद खिलाया अपनी गोद खिलाया। 13 साल उम्र में नानू कवर से ब्याह रचाया हो बचपन से ही भक्ति का तेरे दिल में लग्या उमाया तेरे दिल में लग्या उमाया हो तेरे दिल में लग्या उमाया। तने हनुमान की भक्ति की तने हनुमान की भक्ति की जैसे उनके घट श्री राम हुआ किशोर सिंह जी भगत जहां सन्मुख बालाजी धाम हुआ सन्मुख बालाजी धाम हुआ। भजन का एक अंतरा सुनाया है आदरणीय रघुवीर जी जिनका बहुत ही आशीर्वाद मेरे लिए भी रहा है क्योंकि उनका आदेश पाकर के गुरुजी मेरे वहां तक भी पहुंचे थे। जी हाँ, अगर ये लाइन अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है जी, समझ में आ रही है जो लाइन में गा रहा हूं, अगर मेरी लाइन समझ में आ रही है तो ताली एक बार जोरदार गुरुजी के सम्मान में हो जानी चाहिए। और दूसरे अंतरा के माध्यम से कैसे क्या बताया भला, तुम भक्ति में खोए इतने तुम भक्ति में खोए इतने जने लागे कोई बीमारी हो अरे घर वालों ने जगह जगह पे दवा करा ली सारी हो दवा करा ली सारी हो दवा करा ली सारी हो। ना मिला फायदा कोई कहीं तने मन में बात विचारी हो अरे साला सर जाने की तुमने करवाई फिर तैयारी हो करवाई फिर तैयारी करवाई
कहा बालाजी के दर्शन से तेरी काया में आराम हुआ। किशोर सिंह जी भगत जहां सन्मुख बालाजी धाम हुआ, सन्मुख बालाजी धाम हुआ। या बाबा की गुरुजी किशोर सिंह महाराज जी उनकी तरफ से 500 रुपए पहले इस भजन पर और 500 रुपए फिर, यानी कि 1000 रुपए इस भजन पर आशीर्वाद के रूप में उन्होंने दिए हैं। एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान में आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। और हमारे आदरणीय दीपक पंडित जी, जी हाँ आदरणीय दीपक जी जो पुजारी हैं, उनकी तरफ से भी 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ाया गया। हम उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। वीर बजरंग बली महाराज की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। कैसे बोला भक्ति की पहचान, भगत की पहचान, भगवान की पहचान केवल वही लोग कर सकते हैं। भगवान की पहचान भगत ही कर सकता है। पापी और अहंकारियों के पास में भगवान नहीं आया करता, भगवान उनके घट में आता है जो सच्ची भावना जिनकी उस परमात्मा से जुड़ जाती है। आदरणीय किशोर सिंह महाराज जी उनकी भावना जुड़ गई वीर बजरंग बली महाराज से। बचपन से ही भक्ति का चाव था और जब सालासर में जाकर के दर्शन किए, क्योंकि काया में ऐसा कोई रोग पाए नहीं किसी को, और दूर से देखने में रोगी नजर आ रहे थे। घर वालों ने सारे उपचार करवा लिए, जब कहीं कोई बीमारी का अंत नहीं पाया तो इशारा हो गया एक दिन कि सालासर चलो। और सालासर पहुंचते ही वीर बजरंगबली महाराज बालाजी महाराज के दर्शन होते के साथ ही उनकी काया निरोगी हो गई, सारे कष्ट भाग गए और मन में भक्ति भाव जाग गए। और कैसे जागे, कैसा कैसा रूप उनके अंदर वास करता है, कैसे बना वहां पे, क्योंकि वहां से कुछ सुन रहे थे, कुछ ताली बजा रहे थे, भजन में कुछ नहीं बजा रहे थे। अब मैं आपके पास में करीब आ गए हूं, देखना चाह रहा हूं कौन कौन भगत, कौन कौन भक्तजन, कौन कौन माता बहन भजन को सुन रहे हैं और ताली कौन कौन बजा रहे हैं। अब क्या लाइट आपकी तरफ ही आ गई, जोरदार ताली से भजन में ताली होती रहनी चाहिए, कैसे बोला भाई माइक की लीड बढ़ा दो। हाँ विष्णु महेश शेष, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब तेरे अंदर वास करे। हनुमान जी साक्षात तेरे हृदय में प्रकाश करे, तेरे हृदय में प्रकाश करे, तेरे हृदय में प्रकाश करे। किशोर सिंह महाराज जाप तेरा हर पल बार मास करे। हाँ भक्तों पे कृपा थारी दुष्टों का सत्यानाश करे, दुष्टों का सत्यानाश करे, दुष्टों का सत्यानाश करे। हाँ तेरी कृपा से तेरे वचन से, तेरी कृपा से तेरे वचन से सिद्ध यहाँ हर काम हुआ। किशोर सिंह जी भगत जहाँ सन्मुख बालाजी धाम हुआ, सन्मुख बालाजी धाम हुआ। बताड़ी होनी चाहिए जरूर, मेरा भी मन नहीं लग रहा था। Thank you.
सतगुरु जी के चरणों में आकर के धोख खाना चाह रहा हूं। भजन पसंद आ रहा है, भजन पसंद आ रहा है तो एक जोरदार जयकारा लगा देंगे। बोल सच्चे दरबार की, बोल बालाजी महाराज की, बोल गुरु महाराज की, बोल किशोर सिंह महाराज की। कैसे बोला? हाँ, किशोर सिंह महाराज तने भक्ति की अलख जगा दी, ते एक इशारे में मूर्ति के दाढ़ी मूछ लगा दी। हे रे रे, दाढ़ी मूछ लगा दी, हे रे रे, दाढ़ी मूछ लगा दी। हाथ पे मिट्टी रखी तने और अद्भुत ज्योत जला दी, भपूत से चावल बना दिए, कभी सूखी घास उगा दी। हो तने सूखी घास उगा दी, हो तने सूखी घास उगा दी। कह जयवीर भाटी राम तू ही, कह जयवीर भाटी राम तू ही, और तू ही है या घन श्याम हुआ। हो किशोर सिंह जी भगत यहाँ सन मुख राजस्थान में जिला झुंझुनू, राजस्थान में जिला झुंझुनू, देवगाम सर नाम हुआ किशोर सिंह जी भगत यहाँ सन्मुख बाला जी धाम हुआ। सन्मुख बाला जी धाम, सन्मुख बाला जी धाम हुआ।